वेलकम बैक स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कुमार सिंह, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आप लोग स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने जो यूनिट फर्स्ट है उसका हमने तीन चैप्टर्स थे ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर था जो कि प्लांट किंगडम, जिसके बारे में हम लोग लास्ट तीन वीडियोज़ में पढ़ लिए हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हम लोग देखेंगे डाइवर्सिटी ऑफ जो एनिमल किंगडम्स हैं, कैसे उनको करेक्टराइज किया गया, कितने फाइलम्स में, और कैसे कैसे क्या क्या कैरेक्टर्स है, क्या क्या बेसिस है जो कैरेक्टर्स उनको कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट फाइलम में। तो सबसे पहले हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एनिमल किंगडम है क्या? एनिमल किंगडम, तो जब हम लोग एज एच वटिकर की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे बच्चों, तो उसमें हम लोगों ने ये देखा करता है कि एनिमल में हर वो ऑर्गेनिज्म आएगा जो क्या हो, मल्टी सेलुलर हो, और क्या हो, यूकेरियोट हो, मल्टी सेलुलर यूकेरियोट हो। उसके साथ साथ इसके के जो होगा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो, कैसा हो, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो, साथ में क्या हो, ये जो होता है इसमें सेलवाल एब्सेंट हो। क्या ऑप्शन हो बच्चों? सेलवाल, मतलब सेलवाल किसी भी तरह का नहीं हो, चाहे कैटिन का चाहे हो, चाहे सेलुलोज का, चाहे किसी पेप्टाइडोग्लाइकन के, कुछ भी नहीं हो। ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे किसके? एनिमल किंगडम के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे कुछ इसी तरह के पढ़ेंगे, जो कि मल्टी सेलुलर होगा, यूकेरियोट होगा, हेटरोट्रॉपिक होगा, सेलवाल होगा, ये सब कॉमन होंगे। अब आते हैं, तो देखो बच्चों क्या होता है कि जब भी कभी हम क्या काम करते हैं कि जब भी कभी किसी चीज़ को कैरेक्टराइज करते हैं, जैसे क्लासिफाई करते हैं, तो शुरू में हम लोगों ने देखा था आर्टिफिशियल सिस्टम नामी कल्चर में कुछ फ्यू कैरेक्टर्स को लेकर उन्होंने क्लासिफाई किया था, तो उतना ऑथेंटिक नहीं था और उतना ही एडिक्वेट नहीं था एक तरह से। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब डिफरेंट एनिमल्स को, जैसे अगर हम लोग मान लो कि इंसेक्ट को, किसी इंसेक्ट को देखें, ह्यूमन को देखें, फिर उसके बाद क्या है, मंकी या चिंपैंजी, इन सबको देखें, तो हम क्या करेंगे, एक एक ग्रुपिंग बनाएंगे कि ह्यूमन का एक ग्रुप होगा और इंसेक्ट्स का एक अलग ग्रुप होगा, और जो मान लो और भी जो एनिमल्स हैं उनका एक अलग ग्रुप होगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसको फिर सब सब ग्रुप में धीमे धीमे बांटते जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि फाइलम होता है, जो फाइलम क्या करता है, उस वो डिवीड मदद करता है किसमें करने के लिए, डिवाइड करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं, इसको पढ़ते हैं कि कैसे इसको हम क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे, जैसे कुछ कैरेक्टर्स चाहिए होते तो हम पहले देखते हैं कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनको हम क्या करते हैं इसमें यूज करेंगे। तो हम सबसे पहला ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसका मतलब होगा जब भी हम कैरेक्टराइज करेंगे तो कुछ ऑर्गेनिज्म को ऐसे रखेंगे जो इनिशियल वाले होंगे, उनको सिंपल से किधर की तरफ मूव करेंगे, कॉम्प्लेक्स एनिमल की तरफ, कॉम्प्लेक्स बॉडी फॉर्म की तरफ। सिंपल बॉडी फॉर्म एक होगा ऑर्गेनिज्म, और दूसरा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बॉडी फॉर्म। क्या होगा? कॉम्प्लेक्स बॉडी फॉर्म होगा, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरह जाएंगे। जब कॉम्प्लेक्स की तरह जाएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, डेवलपमेंट अच्छा होगा, डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट अच्छा होगा तो इसका ये मतलब होगा कि यहाँ एक तरह का सिस्टम बनेगा हर किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। क्या होगा? यहाँ पे सिस्टम्स होंगे जो किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। तो सिंपल फॉर्म से किधर जाना हमको, कॉम्प्लेक्स फॉर्म के लिए। अब इसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, अब ऐसा तो है नहीं कि सिंपल से सीधे मोर कॉम्प्लेक्स एडवांस फॉर्म बन गया होगा, उसमें कहीं ना छोटे 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 स्टेप्स होंगे। तो कुछ जैसे इस ये चला सिंपल फॉर्म चला, तो इससे क्या कुछ कुछ स्टेप्स जो अलग हो गए, ये सिंपल फॉर्म अभी भी है, तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स हो गए, कॉम्प्लेक्स वाले यहाँ आ गए, फिर इससे कुछ कॉम्प्लेक्स हुए, ये अभी भी ऐसे ही है। इस तरह से ऐसे क्या हुआ, चलता गया, और ये क्या हो गया, आज के डेट में जो मोर कॉम्प्लेक्स जो आए हम लोग आए, वो उसको क्या करते हैं, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा जो फाइलम आया। तो सिंपल फाइल जो ग्रुप है हमको, हम ग्रुप को किस में बांट रहे हैं बच्चों, हम लोग ग्रुप को बांट रहे हैं किस में, फाइलम से। तो फाइलम में हम देखेंगे कितने फाइलम्स को पढ़ना है यहाँ पे, तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म को, और फिर किसमें क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरह चलेंगे। तो अब इसमें हम सबसे पहला ये देख लेते हैं कि बेसिस क्या होगा, जिसकी जिसकी वजह से हम इनको ग्रुप में बांटेंगे। तो एक हेडिंग लिखेंगे हम लोग क्या, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या होगा, तुम्हारा पहला ही आ जाएगा तुम्हारा कॉम्प्लेक्सिटीज की बात हम लोग करे थे, तो सबसे पहला आप यहाँ पे रख दोगे क्या, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा बच्चों, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
किसकी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों? तो बॉडी की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हम देखेंगे कि कैसे है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम एक एक कॉम्प्लेक्स सिंपल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की बात करें, तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म आपने देखे होंगे, या फिर जो एक सेलुलर एग्रीगेट होता है, सबसे इनिशियल जो होता है सेल, एनीथिंग लेस देन अ सेल कैन नॉट लिव। तो इसका ये मतलब हुआ कि सेल सबसे इनिशियल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है, उससे क्या बनता है बच्चों? टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनेगा? टिश्यू से क्या बनेगा? टिश्यू सिस्टम, या टिश्यू सिस्टम कह लो, या फिर इसको क्या कहते हैं? आर्गन कहते हैं, आर्गन कहते हैं। फिर आर्गन से क्या बनेगा? आर्गन सिस्टम। कई आर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो अब ये हमको टोटल बच्चों, हमको एनसीईआरटी में 11th फाइलम को पढ़ने हैं। कितने फाइलम को? 11th। तो जो सबसे सिंपल वाला होगा देखा जाएगा, तो ये किस लेवल का होगा? इस लेवल का ऑर्गेनिज्म होगा। उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा किस लेवल का होगा? टिश्यू का। उससे कॉम्प्लेक्स होगा तो किस लेवल? ऑर्गन का। और जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ग्रुप होंगे वो सब आ जाएंगे ऑर्गन सिस्टम में, उन्हीं को जोड़ के क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो अब देखते हैं सेलुलर लेवल में, तो हमको पूरे जो फाइलम पढ़ने हैं वो है इस तरह से। हमको आपको एकदम इस सीक्वेंस को हमेशा याद रखना है इसमें, और हमेशा ये ध्यान रखना है कि इस तरह के रैंक को याद रखना है, और इस फाइलम के सीक्वेंस को आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आ जाता है बच्चों तुम्हारा पोरीफेरा, दूसरा आ जाता है तुम्हारा निडेरिया, जिसको कहते हैं सिलेंट्रेटा, निडेरिया। तीसरा आता है टीनोफोरा, टीनोफोरा। और चौथा आ जाता है तुम्हारा प्लेटी हेलमेंथिस। और फिर नेक्स्ट आता है एसके हेलमेंथिस, एसके हेलमेंथिस। फिर उसके बाद आता है एनेलिडा। फिर आता है तुम्हारा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा यहाँ से लिखते हैं आर्थ्रोपोडा। फिर आता है तुम्हारा इस तरह से है, आर्थ्रोपोडा के बाद आता है मोलस्का, मोलस्का के बाद आता है काइनोडर्मेटा, काइनोडर्मेटा, काइनोडर्मेटा के बाद आता है आपका हेमिकार्डेटा। फिर उसके बाद क्या आता है? कार्डेटा, हेमिकार्डेटा। उसके बाद आ गया तुम्हारा कार्डेटा। तो ये है तुम्हें सीक्वेंस बच्चों याद रखना है इसकी, पोरी फेरा सबसे शुरुआत का, फिर निडेरिया आएगा, फिर टीनोफोरा आएगा, फिर प्लेटी एलमेंथिस, फिर एस्के एलमेंथिस, फिर एनालिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकार्डेटा, ये फिर कार्डेटा। इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम इस इन इन लेवल को हम देखते हैं कि कौन कहाँ पे फिट बैठता है। बच्चों जो सबसे शुरू लेवल था, जैसे इसमें टिश्यू बनता ही नहीं है इस फाइलम में, ये सब आप जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्या है? ये फाइलम। इस वाले में हम यहाँ से काउंट कर लेते कुछ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल टोटल कितने फाइलम पढ़ने हैं हमको? 11 फाइलम पढ़ने हैं। सबसे इनिशियल फाइलम क्या होगा? ये पोरीफेरा। तो इसमें हम कहेंगे कि ये सबसे सिंपलेस्ट और सबसे कॉम्प्लेक्स किधर होगा? ये होगा तुम्हारा कार्डेटा, जिसमें हम लोग भी आते हैं। तो कार्डेटा के बाद क्या आ जाएगा? निडेरिया आ जाएगा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथिस, इसके हेलमेंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा। इस क्रम को अगर आपको याद है तो समझ लो आपको एनिमल डाइवर्सिटी जो है, एनिमल किंगडम, आसानी समझ में आ जाएगा। तो ये सिक्वेंस हमेशा याद रखना है आपको बच्चों। तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, पोरीफेरा में एकदम इनिशियल वाला होगा, तो यहाँ पर हम कहेंगे ये इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है सेलुलर लेवल है। कैसा लेवल है? सेलुलर लेवल। अब आ जाते हैं निडेरिया और टीनोफोरा। एक्चुअल पहले जो था ये दोनों एक ही ग्रुप था, एक फाइलम, लेकिन क्या हुआ कि इसमें एक नीडोब्लास्ट सेल पाए जाते थे। किसमें? निडेरिया में, जिसको हम क्या कहते थे? सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा कहते थे। तो इसमें जो ग्रुप पाया जाता था सिलेंट्रेटा में, टेराटा, इसी को क्या कहते हैं, इसमें नीडोब्लास्ट सेल पाया जाता, उस मेंबर को अलग कर दिया गया। तो मोर और लेस दोनों के जो कैरेक्टर्स होते हैं दोनों एक ही जैसे होते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा टीनोफोरा, और निडेरिया जो होते हैं उससे थोड़ा ऊपर वाला लेवल पाया जाता है, उसमें क्या होता है? टिश्यू लेवल। अब बच्चों बताओ प्लेटी हेलमेंथिस क्या पाया जाएगा? तो प्लेटी हेलमेंथिस उससे और थोड़ा कॉम्प्लेक्स पाएगा, और वो पाया जाएगा कौन सा? आर्गन लेवल। कौन सा? आर्गन। अब बस यहाँ से शुरू हो जाते हैं हम लोग, कहाँ से? यहाँ इतना ही हमको ध्यान रखना है केवल। सेलुलर लेवल पोरीफेरा में कॉम्प्लेक्स थोड़ा आएगा टिश्यू लेवल पे, फिर उसके बाद आर्गन लेवल, प्लेटी हेलमेंथिस, इसके बाद वाले जो भी है सेक्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी हैं सब आपके जो होंगे क्या पाएंगे इसमें? आर्गन सिस्टम लेवल।
ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये था तुम्हारा बॉडी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बच्चों। इसमें हम क्या करते हैं, सेलुलर लेवल हो सकता है, टिश्यू या ऑर्गन, या ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो हम देखें कि जो टीनोफोरा है और निडेरिया ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं, और ये जो होता है इसमें टिश्यू लेवल होता है, इनिशियल वाला शुरुआत वाला है पोरीफेरा, एक यही एक ऐसा फाइलम है जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, एग्रीगेट ऑफ मास ऑफ सेल्स होते हैं ये होता है। उसके बाद प्लेटिस मेंथिस में जो है उसमें ऑर्गन लेवल है, उसके बाद जितने भी आते हैं सब क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अब इसका ये नहीं मतलब कि स्केल मेंथिस में ऑर्गन सिस्टम है, कार्डेटा में भी है, तो दोनों सिमिलर होंगे। हाँ, ये लो लेवल का ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ये हायर लेवल का ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर हमसे पूछा जाए बच्चों कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हम 11 फाइलम को कैसे बांट सकते हैं, कहेंगे सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल पे बांट सकते हैं। हमको केवल शुरू के चार याद रखने हैं कि पोरीफेरा, उसके बाद सब क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हम इस तरह से देखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी और इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला तुम्हारा करेक्टर हो गया क्या, ऑर्गन लेवल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, दूसरे में जब आता है तुम्हारा करेक्टर है वो है तुम्हारा सिमेट्री। क्या होते हैं बच्चों, सिमेट्री। अब ये कौन सा करेक्टर है सिमेट्री का, सिमेट्री का ये मतलब होता है जैसे कि कोई भी एक स्ट्रक्चर है उसको दो हाफ में बांटना है। तो देखो एक कोई बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, उसको चाहे जिधर से भी काटोगे ये दो हाफ में बांट दिया जाता है। और कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे कि मान लो ये है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर है इसको बांटना है दो हाफ में। तो केवल जैसे ये जो है ये प्लेन है, ये एक प्लेन है, दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन, चौथा, पाँचवा, इतने प्लेन्स हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चूंकि हम लोग यहाँ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो इस किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी भी प्लेन से दो इक्वल हाफ में बांट देते हैं, जैसे इस प्लेन से भी दो इक्वल हाफ में, इस प्लेन से भी दो इक्वल हाफ में बांट देते हैं, ऐसे को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। कैसे कहते हैं, रेडियल सिमेट्री, सिमेट्री। और अगर दो इक्वल हाफ में बटे तो, लेकिन मतलब यहाँ पे क्या था, एनी प्लेन, किसी किसी भी प्लेन में, और यहाँ केवल ओनली वन प्लेन में, ओनली वन प्लेन में, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं ओनली वन प्लेन में अगर ये बांटे तो उसको क्या कहते हैं, ओनली वन प्लेन से क्या, यही देखो एक यही प्लेन था जिसकी वजह से क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता था। ऐसे को हम क्या काम करेंगे, ऐसे को कहेंगे बाईलेटरल सिमेट्री, बाईलेटरल सिमेट्री। अब बच्चों इसमें याद रखना हमको कि ये बताइए कि जो 11 फाइलम है इनमें कहाँ कहाँ कौन कौन सा पाया जाता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बहुत से रैंडम है इस तरह का है, कुछ ऑर्गेनिज्म ये इसमें कोई सिमेट्री नहीं, किसी भी चाहे किसी भी प्लेन से काटोगे दो इक्वल हाफ में कटेगा ही नहीं, तो इसको हम कहते हैं ए सिमेट्रिकल। कैसे कहते हैं, ए सिमेट्रिकल, ए सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। और एक होता है बच्चों की बाई रेडियल सिमेट्री होता है, जिसमें क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो दो प्लेन से केवल काट सकते हैं। तो ये कुछ इसको कहते हैं बाईलेटरल, बाइलेटरल भी है और दूसरा क्या है, बाइलेटरल प्लस रेडियल, दोनों सिमेट्री है। तो ये जनरली टीनोफोरा वाले में पाया जाता है, कुछ ऑर्गेनिज्म है केवल उसमें पाया जाता है, बिरोई ऐसा कुछ ऑर्गेनिज्म है। तो बाइलेटरल प्लस इसको क्या कहते हैं, बाई रेडियल सिमेट्री, बाई रेडियल सिमेट्री। हमने क्या क्या देखा बच्चों सिमेट्री में, देखा कि हम लोग चार तरह के सिमेट्री देखे, एक तो ये सिमेट्री हो ही नहीं सकती एसिमेट्रिकल, दूसरा रेडियल हो सकता है, तीसरा क्या होता है बाइलेटरल होता है, चौथा जो होता है तुम्हारा बाईरेडियल सिमेट्री। इनमें आपको बस इतना याद रखना है कि जो सबसे एडवांस वाला है वो है तुम्हारा बाइलेटरल सिमेट्री। क्या है, अपने आप को समझो और इसको देखो। तो बाइलेटरल सिमेट्री जो एडवांस वाला है, तो आपको ये समझना चाहिए कि जो रेडियल सिमेट्री होगा वो क्या होगा, लोअर वाला होगा। तो अब इसी में देख लेते हैं, तो अब जैसे इसमें हमने हमने कॉम्प्लेक्सेशन के बेसिस पे हमने यहाँ बांट दिया था स्केल मेंथिस से कार्डेटा तक को, क्या कर दिया था कि ये किस लेवल के हैं, टी ऑर्गन सिस्टम लेवल के ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग इस तरह से बांट दिए थे। तो यहाँ हम देखते हैं इस वाले में कि क्या हो रहा है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो बाइलेटरल एडवांस, इसका मतलब इधर वाले में जनरली क्या पाया जाएगा, बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाएगा। तो रेडियल सिमेट्री क्या होगा, तो एसिमेट्रिकल पहले क्या होता है, एसिमेट्रिकल सबसे प्रिमिटिव टाइप का, ये कहोगे कि ये सबसे प्रिमिटिव, तो सबसे प्रिमिटिव कौन सा तुम्हारा फाइलम था, ये वाला था, तो सेलुलर लेवल। और दूसरा क्या है इसमें, एसिमेट्रिकल, क्या हो गया, सेलुलर लेवल भी है, दूसरा क्या है इसकी कमी क्या वो है सिमेट्री, किससे, एसिमेट्रिकल, मोस्टली जो होते हैं एसिमेट्रिकल, मतलब उसमें डिवीजन हो ही नहीं सकता। उससे आगे बढ़ेंगे तो केवल एक यही फाइलम जिसमें एसिमेट्री पाया जाता है, दूसरा क्या है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो ये रेडियल सिमेट्री अगर ये एडवांस फीचर है तो जाहिर सी बात है बाय रेडियल सिमेट्री इसी में आएगा।
तो ये दोनों जो हैं, जो अगर इसमें जो कैरेक्टर होते हैं मोस्टली इसमें करते हैं, क्योंकि एक ही लीनियज एंसेस्टर माने जाते हैं दोनों के, कोई जो भी होगा। तो ये हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री इसमें पाया जाता है। तो ये टिश्यू लेवल, और दूसरी क्या है इसमें, रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री किसमें, ये टीनोफोरा और क्या निरेडियम में। इसी टीनोफोरा में कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको में क्या पता है, बाय रेडियल सिमेट्री, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप दो प्लेन से इक्वली हाफ में बांट सकते हैं, उसको हम कहते हैं बाय रेडियल सिमेट्री। मतलब ये मिक्सचर है बायलिटरल रेडियल। इसका ये मतलब हुआ कि ये एक तरह से ये ट्रांजिशन शो कर रहा है बच्चों, कौन टीनोफोरा, कि बायलिटरल का आ गया इसमें, रेडियल रेडियल था, रेडियल 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 इसमें भी था, लेकिन अब कुछ में आर्गेनिज्म में बाय रेडियल आ गया। मतलब एक तरह का सिमेट्री में एडवांसमेंट आई, और प्लेटिहेलमिंथीज में अब क्या पाया जाएगा, बायलेटरल सिमेट्री। तो यहाँ से तुम्हारा ये हो गया कैपिंग हो गई, इधर वाला जो था ये था एसिमेट्रिकल, ये दोनों थे बायलेटरल रेडियल सिमेट्री। उसके बाद जितने भी आएंगे तुम्हारा प्लेटिहेलमिंथीज से यहाँ तक कार्डेटा तक क्या हो जाएंगे, बायलेटरल सिमेट्री। और बाय रेडियल सिमेट्री केवल एक यूनिक कर सकते हो, क्योंकि टीनोफोरा में कुछ होते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो हम लोगों ने दो बातें पढ़ ली, एक तो लेवल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया, और दूसरा क्या पढ़ लिया, सिमेट्री पढ़ लिया। अब तीसरी बात पढ़ते हैं बच्चों, तीसरा क्या है, तीसरा जो होगा आपका जर्म लेयर होगा। जर्म लेयर, तो जर्म लेयर क्या होता है, जब 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 कभी जर्म लेयर में, जब जर्म लेयर का मतलब होता है कि जब जाइगोट बनता है बच्चों, तो उसमें क्या होता है कि ये डिवीजन करता है। डिवीजन करने के बाद क्या होता है, इम्ब्रियो बनाता है। इम्ब्रियो के क्या होता है, ये फिर इम्ब्रियो डेवलप होकर डिफ्रेंसिएशन इसमें होता है। ये तीन तरह की लेयर बनाती है, एक ऊपर वाली ऐसे ऐसे, ये ऊपर वाली इसको कहते हैं ऊपर की डर्म है, इसलिए इक्टोडर्म। और सेंटर वाली जो होगी इसको क्या कहेंगे, गट वाल या गट कैविटी। उसको जो कवरिंग किया होगा ये गट वाल गट है, और इसको जो कवर किया होगा, जैसे ये किया है कवर इसको, इसको कहते हैं हम इंडोडर्म, अंदर की तरफ है इंडोडर्म। और तीसरी जो कैविटी है उसमें, उसमें क्या पाया जा रहा है, यहाँ पे ये वाली जो गैप है, इस गैप को क्या कर रहा है, ये भर दे रहा है कोई स्ट्रक्चर, और उसको हम क्या काम कर रहे हैं, मेजोडर्म। क्या कर रहे हैं, मेजोडर्म। जिस ऑर्गेनिज्म में ये, तो एक ऑर्गेनिज्म हो गया, एक ग्रुप हो गया, और दूसरा क्या हो गया, ये इक्टोडर्म हुआ, ये इंडोडर्म हुआ, और इस ये इक्टो हो गया, और ये हो गया तुम्हारा इंडो इंडोडर्म, है ना। और इसके बाद हो गया इक्टो, हो गया इंडो, और यहाँ पे जो मेजोडर्म था, ये मेजोडर्म मेजोडर्म में नहीं है, एक क्या होता है अनडिफ्रेंशिएटेड मास है, जिसको हम कहते हैं मेजोग्लिया। क्या कहते हैं, मेजोग्लिया। तो जिसमें देखो, जिसमें मेजोडर्म डिफ्रेंशिएटेड होके बन गया है मेजोडर्म, मतलब कितने जर्म लेयर है, वन इक्टो, दूसरा इंडो, और तीसरा क्या है, मेजोडर्म। ऐसे को हम कहते हैं कि ट्रिप्लो ब्लास्टिक, तीन ब्लास्ट है, तीन तीन ब्लास्टिक लेयर है, इसको कहते हैं ट्रिप्लो ब्लास्टिक सेल या ऑर्गेनिज्म, ट्रिप्लो ब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। जिस भी ऑर्गेनिज्म में जर्म लेयर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अगर तीन लेयर से बनता हो, तो उसको कहते हैं ट्रिप्लो ब्लास्टिक। और जिसमें केवल एक्टो इंडो और जो मेजोडर्म है, मेजोडर्म ना बन के केवल नॉन डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू में है, मेजोग्लिया में ही है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करते हम लोग, तो इक्टो और इंडो में ही होता है, इसको कहते हैं डिप्लो ब्लास्टिक, डिप्लो ब्लास्टिक। अब बच्चों इसमें भी पूछा जाए एडवांस कैरेक्टर कौन होगा और प्रिमिटिव कौन होगा, तो कहोगे ये जो होता है एडवांस कैरेक्टर है, मतलब एडवांस कैरेक्टर। तो ये किस में पाया जाएगा, एडवांस फाइलम में पाया जाएगा, और ये क्या होगा, लोअर फाइलम में पाया जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग इसमें, देखते हैं यहाँ कहाँ, इसकी तो कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि सेलुलर लेवल है, टिश्यू ऑर्गन इन सब में आता है, पोरीफेरा तो हो गया सेलुलर लेवल। दूसरा निरेडिया टीनोफोरा में, तो इसमें तो रेडियल सिमेट्री है ही है, साथ में क्या हो रहा है कि ये जो होता है प्रिमिटिव करेक्टर, तो इसमें क्या होगा, डिप्लोब्लास्टिक होगा। क्या होगा, डिप्लोब्लास्टिक है। प्लेटी हेलमेंथिस एक ऐसा है बच्चों, जिसमें क्या होता है, प्लेटी हेलमेंथिस से ये भी शुरू हो जाता है, प्लेटी में यहाँ पे तुम्हारा क्या पाया जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यहाँ से क्या पाया जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो प्लेटी हेलमेंथिस से कहाँ तक जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, कार्डिटा तक। प्लेटी हेलमेंथिस से कहाँ तक जाएगा, कार्डिटा तक जाएगा, और प्लेटिहेलमिंथीस कहाँ से जाएगा, कार्डिटा तक जाएगा, वो क्या होगा तुम्हारे, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो हमने ये देखा, अगर यहाँ लिखे हैं सिमेट्री में जर्म लेयर में, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ कहाँ से लिखेंगे, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक बताएंगे कि ट्रिप्लोब्लास्टिक जो होगा,
ब्लास्टिक योग है बच्चों, ये कहाँ से है, ये प्लेटी हेलमेंटिस से कहाँ तक है, कार्डेटा तक, ठीक है। और डिप्लोब्लास्टिक कौन सा है, डिप्लोब्लास्टिक में आ जाएगा तुम्हारा निडेरिया और टीनोफोरा, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये तीन हो गया, कौन कौन सा हो गया, ये तीन हो गए, इसके बाद क्या है, अब आगे जो अगला हुआ करेक्टर। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि इस इल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या एडवांस फीचर्स हमको मिले। तो एडवांस फीचर बच्चों क्या क्या था, जो एडवांस फाइलम में मिलेगा वो होगा क्या, बाइलेटरल सिमेट्री, सिमेट्री, और क्या होगा उसके अलावा, क्या बाइलेटरल सिमेट्री होगा, दूसरा क्या होगा, टिप्लोब्लास्टिक, टिप्लोब्लास्टिक, और एक और कैरेक्टर बताओ जो अभी लेवल में, तो एक होगा आर्गन सिस्टम के लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। ये तीन अभी तीन जो पढ़े हैं, जर्म लेयर में और इसमें बायलेटरल सिमेट्री और सिमेट्री में आर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों जो है यूनिक फीचर है। अगर किसी में फाइलम में देखो तो बायलेटरल सिमेट्री जो था ये शुरू हो जाता था किससे, रेडियल के बाद से, तो प्लेटी हेलमेंथिस से कार्डेटा, और टिप्लोब्लास्टिक शुरू हो जाता था वो भी कैसे, प्लेटी हेलमेंथिस से कार्डेटा। आर्गन सिस्टम जो शुरू हो जाता था वो होता है एसके हेलमेंथिस टू कार्डेटा, ये हमको समझना है। तो ये वाला बायलेटरल सिमेट्री हो गया किससे, प्लेटी हेलमेंथिस, यहाँ लिख देते हैं लोग प्लेटी हेलमेंथिस टू कार्डेटा, और ये वाला भी हो जाता है प्लेटी हेलमेंथिस से कार्डेटा। ये जो होता है तुम्हारा आर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो हो जाएगा एसके हेलमेंथिस टू कार्डेटा। यहाँ याद रखना है बच्चों कि जो सिमेट्री है बाइलेटरल और रेडियल वाला, इसमें एक एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में क्या है तुम्हारा, वो है इकाइनोडर्मेटा, क्या है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा क्या होता है, जो एडल्ट जब होता है इसके दो तरह की सिमेट्री पाया जाता है, जब ये एडल्ट होता है इसमें रेडियल सिमेट्री पाया जाता है, और जब ये इसके लार्वा जो लार्वल स्टेज होता है उसमें क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है। तो अल्टीमेटली है इसमें बाइलेट, वो पूछा जाए इकाइनोडर्मेटा में किस तरह की सिमेट्री पाई जाती है, तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे हम क्या जानेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बस इतना याद रखना है इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट में जो यंग जो होगा वो उसमें रेडियल पाई जाती है, लार्वा के फॉर्म में क्या होगा जब होगा तो उसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। एक ये एक्सेप्शन को आपको याद रखना है। आर्गन सिस्टम में तो क्या हमको याद रखना है कि एसके हेलमेंथिस से पूरा कहाँ तक चला जाएगा, कार्डेटा तक, और यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लेटी टू कार्डेटा, प्लेटी टू कार्डेटा दोनों में था, कार्डेटा दोनों में था, लेकिन यहाँ पे क्या था एसके हेलमेंथिस, क्योंकि प्लेटी हेलमेंथिस में क्या था आर्गन सिस्टम नहीं था बच्चों, वहाँ पे क्या था आर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तीन हो गए, अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा, चौथे कैरेक्टर को देखते हैं। चौथा जो है कैरेक्टर वो है आपका सिलोम, आई थिंक होगा, क्या पढ़ने हैं हम लोग, सिलोम, सिलोम होगा, सिलोम क्यों, क्या कहते हैं बॉडी कैविटी, क्या कहते हैं बच्चों बॉडी कैविटी। तो सिलोम पढ़ते हैं पहले, देखते हैं कैसे कैसे क्या है, तो इसके बारे में कुछ हम एडिशनल बताते हैं जो एनसीईआरटी की बात। सिलोम देखो क्या होता है, जैसे ये तुम्हारा होगा इक्टोडर्म ऊपर वाला, और ये अंदर वाला जो होगा तुम्हारा क्या होगा, ये वाला होगा तुम्हारा इंडोडर्म, गट जो को कवर किया है, इंडोडर्म, ये हो गया इक्टोडर्म, और ये जो सेंटर में है जो यहाँ पे ये सब पूरा भरा हुआ है एक टिश्यू से, जिसको कहते हैं हम क्या, मेजोडर्म, मेजोडर्म इसका मतलब टिप्लोब्लास्टिक है बच्चों। अब यहाँ देखो जो ये गट गट की वाल जो है, अब हमको क्या करना है कि जो जो एडवांस फीचर्स होंगे, एडवांस मतलब एडवांसमेंट होता है, तो उसमें क्या होता है बॉडी कैविटी पाई जाती है। देखो कैविटी पाई जाने की वजह से एडवांसमेंट हो रहा है, बॉडी कैविटी का मतलब हो गया कि जैसे हमारे जो आर्गन्स होते हैं बॉडी के वो क्या होते हैं, इसी जो जैसे पूरी बॉडी है मान लो हमारी, और यहाँ क्या है हमारा एलिमेंट्री कैनाल है ऐसे गया हुआ, और ये क्या है पूरी बॉडी है, इनके बीच में ये जो इक्टो हो गया, ये इंडो मान लो इंडो हो गया, इसके बीच में क्या हो रहा है कैविटी पाई जानी है, मतलब कैविटी बनानी है कि वो किससे भरी है कैविटी, मेजोडर्म से, बहुत से टिश्यूज होते हैं जो उससे भरी हुई है। कैविटी की क्या जरूरत है बनाने की, तो कैविटी को कैविटी देगा तभी तो आर्गन जो होंगे, बहुत से जैसे हमारे आर्गन्स हैं जैसे वो क्या करता है हार्ट है, ये सब किडनी है, ये सब आर्गन क्या करते हैं एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये क्या होगा आर्गन के लिए,
दूसरा क्या होगा कि बहुत से जो होगा जैसे फ्लेक्सिबिलिटी देगा ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी देगा तो थोड़ा शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे देने के लिए मेजोडर्म ने कहा कि हम अपनी साइज को, नंबर ऑफ सेल्स को रिड्यूस कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? नंबर ऑफ सेल्स को रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये जिसमें पूरा मेजोडर्म से भरा होगा बीच वाला जो लेयर, उसको कहेंगे एसिलिमेट, उसमें कैविटी ही नहीं है। ऐसे एनिमल को क्या कहेंगे? एसिलिमेट, जिसमें पूरा मेजोडर्म हो। लेकिन इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ तो क्या हुआ, वो मेजोडर्म जो था उसकी लाइनिंग जो धीमे धीमे खत्म होने लगी। तो जो खत्म हो रही तो दो तरह से हुई खत्म, ए और दोनों क्या होगा, एक तो हुआ, एक को कहते हैं हम लोग साइजोसिलम और एक को क्या कहते हैं इंटरोसिलम। इंटरोसिलम, अब इन दोनों में क्या अंतर है साइजोसिलम और इंट्रोसिलम में? तो साइजोसिलम में क्या होता है बच्चों, कि जो ये मेजोडर्म है, ये जो मेजोडर्म था ये वाला, ये मेजोडर्म है, साइजोसिलम में क्या होता है, जो मेजोडर्म है ये दो तरह से क्या करता है, कैविटी बना सकता है। एक तो ये हो सकता है कि जो जो गट का वाल है ये वाला अंदर वाला, ये क्या काम करे, एक तरह का क्या करे, आउट पाउच की तरह बाहर की तरह आउटग्रोथ करे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग इंटरोसिलोम। क्या कहते हैं? जब जब गट वाल जो है ये आउट आउट इन क्या कहते हैं, इमेजिनेशन जैसे होता है उस तरह का होता है, इमेजिनेशन इमेजिनेशन जैसा। तो ये क्या होता है, ऐसे ऐसे आउट के पाउच की तरह स्ट्रक्चर बनाए और ये बड़ा होके फिर क्या कर दे, एक कैविटी बना ले, इसको हम क्या कहते हैं इंट्रोसिलोम। और ये साइजोसिलम क्या होता है बच्चों, तो साइजोसिलम में हम ये देखेंगे कि साइजोसिलम में क्या, जो मेजोडर्म है तुम्हारा, इसी की मेजोडर्म सेल की स्प्लिटिंग होने लगती है। स्प्लिटिंग का मतलब कि यहाँ से ये शुरू होगा, जैसे ये होगा तो ये यहाँ से वाइट वाला ऐसे हो गया, यहाँ से अब स्प्लिटिंग हो रही है, ये बढ़ता जाएगा, यहाँ भी स्प्लिटिंग हुई, ये बढ़ता जाएगा, दोनों मिल जाएंगे, ऐसे मिल जाएंगे, तो इसको कहते हैं साइजोसिलम। इंट्रोसिलम में क्या होता है, जो गट वाल है उसी की क्या होती है, इनफोल्डिंग होती है और वो क्या करता है, उसी में कैविटी बनने लगती है और वो जाके फिर मिल जाता है, उसको क्या कहते हैं इंट्रोसिलम। ये बच्चों जो होता है एडवांस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और ये थोड़ा है प्रिमिटिव टाइप का। दोनों का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, तो दोनों का अल्टीमेट ये होगा कि ये और ये दोनों बनाएंगे क्या, सिलोम। दोनों क्या होगा, अल्टीमेटली क्या बनाएंगे, सिलोम। तो सिलोमेट कितने तरह के हो सकते हैं, या तो साइजोसिलम बन जाए या तो इंट्रोसिलम। ये क्या होता है, कहोगे डिवीजन के पैटर्न में जो जो वो होता है क्या कहते हैं, पैटर्न होता है मेजोडर्म, कुछ जो होता है मेजोडर्म की स्प्लिटिंग से होते हैं तो उसको कहते हैं साइजोसिलम। तो कहोगे स्प्लिटिंग का मेजोडर्मल सेल, मेजोडर्मल सेल, मेजोडर्मल सेल से क्या क्या स्प्लिटिंग की वजह से जो बनता है उसको कहते हैं साइजोसिलम, और जो जो होता है गट वाल के इमेजिनेशन की वजह से जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं इंट्रोसिलम। तो ये जो होता है बच्चों, ये थोड़ा एडवांस में, तो एडवांस में हम लोग आते हैं कार्डेटा वाले, तो इसमें कह देंगे हम लोग क्या होता है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा, इन सब में क्या होता है इंट्रोसिलम पाया जाता है कार्डेटा। ये है तुम्हारे जो है इंट्रोसिलम के एग्जाम्पल। साइजोसिलम के एग्जाम्पल क्या होंगे, जो लोअर वाले होंगे बच्चों, जैसे खासकर क्या हो जाएगा इससे पहले कार्डेटा के, तो कह लोगे एनालिडा हो जाएगा, आर्थोपोडा, फिर उसके बाद क्या मोलस्का, ये सब हो जाएंगे तुमके इंट्रोसिलम के एग्जाम्पल। तो ये था तुम्हारा सिलोम। तो अब हमने ये देखा कि यहाँ पे क्या होगा, ए सिलोमेट से क्या हो गया कि किसमें बन चेंज हो गया, सिलोम में। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बीज का एक ट्रांजिशन शो करते हैं, जैसे कभी भी इवोल्यूशन तुरंत नहीं हो जाता, एक ट्रांजिशन शो करता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसा था जो जिसमें क्या था, ये जो था सूडो सिलोम बनता था। क्या बनता था बच्चों? सूडो सिलोम। सूडो सिलोम का मतलब हुआ कि फॉल्स सिलोम। कैसा सिलोम? फॉल्स सिलोम, मतलब कुछ उसी तरह दिखेगा। तो ये क्या, कैसा सूडो सिलोम होता है, देखो सिंपल सा है, बस ये एक्टो था, ये इंडो था, इसमें पूरा मेजोडर्म भरा हुआ था, मेजोडर्म भरा हुआ था, इसलिए हम क्या कहते थे इसको, इसको कहते थे एसिलोमेट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये मेजोडर्म जो होगा, ये जो मेजोडर्म है ये क्या होगा, टूट टूट के क्या होगा, एक पाउच बनाएगा। जैसे कि इंट्रोसिलोम में दूसरा चीज़ था, उसमें क्या होता हो रहा था कि इसका इन्वेजिनेशन हो रहा था, और यहाँ पे क्या हो करता है, एक पाउच बनाएगा। तो ये वाला जो कैविटी होगा ये दोनों की तरह, देखो मेजोडर्म की लाइनिंग भी है और कहीं कहीं सिलोम भी है, तो इस पाउच की वजह से क्या हो रहा है कि स्प्लिटिंग मेजोडर्म के होने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ऐसे को हम कहते हैं दोनों तरफ का, इसलिए फॉल्स सिलोम कहते हैं, सूडो सिलोम। अब आ जाते हैं हम लोग ये तीनों उसको देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या पाया जाता है। तो देखो बच्चों, इसमें पोरीफेरा से चले हम लोग, अगर पोरीफेरा से चले निडेरिया टीनोफोरा इसमें,
तो यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं, इसमें एसके हेलमेंथिस हो जाते हैं ये सब, इसका मतलब प्लेटी हेलमेंथिस तक जितने भी होते हैं उसमें कोई सीलोम नहीं होता है, ये सब एसिलोमेट होते हैं। एडवांसमेंट कहाँ से हुई, एस्केलेमेंट, तो ये ट्रांजिशन शो करता है। तो सूडो सिलोमेट केवल एक ही फाइलम में है, जो इसको हमको याद रखना है, वहाँ से सूडो सिलोमेट होगा, सूडो सिलोमेट, उसके बाद जितने भी इधर के जितने होंगे वो सब क्या होंगे, ए सिलोमेट होगा, इधर के जितने भी होंगे वो क्या होगा, सिलोमेट होगा। अब सिलोमेट दो तरह के हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, दो तरह के वो हो सकते हैं कि एक हो सकता है साइजो सिलोमेट, एक हो सकता है इंट्रो सिलोमेट। अगर इसमें देखें तो एनालिडा, अर्थोपोडा, मोलस्का को क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं साइजो सिलोमेट, और इन इन सबको क्या कह सकते हैं, इंट्रो सिलोमेट। देखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो ये बच्चों जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे था एक इंडोडर्म, ये अंदर की तरफ, और ये क्या था, मेजोडर्म, एक्टोडर्म था, ये मेजोडर्म था अर्ली है, और ये यहीं से देखो स्प्लिटिंग हो रही है इसकी, स्प्लिटिंग होते होते कुछ इस तरह का ये बढ़ता जा रहा था, ये इधर बढ़ता जा रहा था, इधर इधर, तो इस तरह से क्या, डेवलपिंग सीलोम, सीलोम बन गया। और किसकी वजह से, स्प्लिटिंग ऑफ इन मेजोडर्म, इसको क्या कहते थे, साइजो सीलोम, एस से याद रखो, साइजो, साइजो मतलब था स्प्लिटिंग होता है। यहाँ पे देखो एक्टोडर्म, ये जो गट वाल है इसी की इंडोडर्म का ही होता है वो कवरिंग होती है, तो ये इसी के क्या होता है, इवेजिनेशन होता है एक तरह का, आउट आउट होता है, वो फिर पाउच बनता है, वो क्या करता है फिर बढ़ता जाता है इधर की तरफ, और ये क्या होता है, डेवलपिंग सिलोम बन गया। अल्टीमेटली प्रोडक्ट देखो दोनों का क्या बनना है, सिलोमेट, तो एक हो सकता है ये, एक हो सकता है ये। तो हमने क्या देखा कि ए सिलोमेट कौन है, ए सिलोमेट, तो ए सिलोमेट जल्दी देखा जाता है, हम क्या कहेंगे, प्लेटी हेलमेंथिस, हेलमेंथिस। और दूसरा क्या होता है, सूडो में क्या हो जाएगा, सूडो वाले में आ जाएगा तो वहाँ एसके हेलमेंथिस, उसके बाद जितने भी हैं सब क्या है, सिलोमेट होता है, सिलोमेट हो गए जितने भी, उसमें भी दो हैं, एक होता है साइजो, एक होता है इंट्रो। साइजो वाले में आ जाते हैं एनेलिडा, एनेलिडा, आर्थोपोडा और मोलस्का, और इसमें इंट्रो वाले में आ जाएंगे इकाइनो, हेमी और कार्डियोटा, ये है तुम्हारे सिलोम की बात है। तो ये था तुम्हारा सिलोम का। इसी में अगर हम ये चाहे समझना चाहे, एक होता है प्रोटोस्टोम, एक होता है ड्यूट्रोस्टोम। बच्चों क्या होता है, एक प्रोटोस्टोम, एक क्या होता है, ड्यूट्रोस्टोम। तो प्रोटोस्टोम और एक होता है ड्यूट्रोस्टोम, ये दो ग्रुप होते हैं, ड्यूट्रोस्टोम। प्रोटोस्टोम में हम ये देखते हैं कि प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, और स्टोम मतलब पहले, पहले स्टोम बने, तो जो जब जब डेवलपमेंट होता है, जाइगोट बना, जाइगोट से क्या होता है, एम्ब्रियो बनेंगे। एम्ब्रियो में क्या होता है, जब डेवलपमेंट होता है, इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो उसमें क्या होता है, अगर एक डेवलपमेंट होता है ब्लास्टोपोर, एक स्ट्रक्चर का डेवलप होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोपोर। अगर ब्लास्टोपोर डेवलप, फर्स्ट डेवलप, डेवलप इन अगर माउथ में हो तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रोटोस्टोम। और ड्यूट्रोस्टोम क्या होगा, अगर ब्लास्टोस्पोर, ब्लास्टोपोर जो होता है, अगर फर्स्ट डेवलप इनटू एनस, तो इसको हम क्या कहेंगे, ड्यूट्रोस्टोम। ये वाला बच्चों एडवांस है, और ये क्या है, प्रिमिटिव है। तो ड्यूट्रो में कौन कौन आएगा, ड्यूट्रोस्टोम में कहेंगे इकाइनोडर्मेटा आएंगे, इकाइनोडर्मेटा, और दूसरा क्या आएगा, हेमिकार्डेटा, हेमिकार्डेटा, तीसरा आ जाएगा तुम्हारा हेमिकार्डेटा, और आ जाएगा मेन जो है वो है कार्डेटा। और यहाँ पे क्या था, प्रोटोस्टोम में वही सब पुराने वाले थे, तो इसमें तुम्हारा आ जाएगा कौन सा, प्रोटोस्टोम में तो ये इसमें आ जाएंगे मोलस्का वाला, इससे पहले क्या था मोलस्का, तो एनेलिडा, एनेलिडा, आर्थोपोडा और मोलस्का, ये सब तुम्हारे इसके मेंबर्स होंगे इसमें प्रोटोस्टोम में। तो ये सब कुछ एग्जांपल हैं जो कि जिसमें क्या होता है, इस तरह की चीज़ें बनती है। इसमें स्केलमेंथीज भी आ जाएगा, स्केलमेंथीज, प्रोटोस्टोम ये हो गए, और ये क्या हो, ड्यूट्रोस्टोम हो गया। तो ये एडवांस कैरेक्टर है ब्लास्टोफोर। इसका हम देखते हैं क्या है, तो जैसे इस फिगर में दिख रहा होगा आपको, देखो यहाँ पे क्या डिवीजन में भी अलग है दोनों में, जो एक सेल है, एट सेल स्टेज है, रेडियल क्लीवेज हुआ। यहाँ पे देखो सिलोम यहाँ पे था, मेजोडर्म था, ब्लास्टोपोर किस में डेवलप हो रहा है, माउथ में, इसको प्रोटोस्टोम कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, एनस में डेवलप हो रहा है, इसे ड्यूट्रोस्टोम कहते हैं। यहाँ स्पायरल क्लीवेज हो रहा है, यहाँ पे रेडियल क्लीवेज होता है, और यहाँ पे देखो इन्वेजिनेशन वही हो रहा है जो मेजोडर्म की लाइनिंग, तो वो क्या कर रहा है, सिलोम बना रहा है, जबकि यहाँ पे ये वाला मेजोडर्म बन रहा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर उस वो बना था। तो ये था तुम्हारा सिलोम। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाला जो फीचर पढ़ते हैं बच्चों हम लोग, वो है तुम्हारा सेगमेंटेशन। नेक्स्ट है जो तुम्हारा क्या है, सेगमेंटेशन।
सेगमेंटेशन क्या, बॉडी में सेगमेंट पाया जाता है। तो ये जनरली फीचर्स होता है एनलीडा का, किसमें, एनलीडा में, आर्थोपोडा में, और क्या होता है कुछ कार्डेटा में भी है, ये फीचर्स पाए जाते हैं। तो एक क्या होता है, जैसे ये सेगमेंट हो गया, सेगमेंट सेडमिंग के अंदर भी सेगमेंट कटा हो तो उसको कहते हैं मेटामेरिजम। मेटामेरिजम, मेटामेरिजम का मतलब मेटामर फॉर्मेशन करना। मेटामर का मतलब ये होगा बच्चों कि एक्सटर्नली भी बॉडी में सेगमेंट हो और इंटरनली भी सेगमेंट हो, तो उसको क्या कहते हैं, मेटामेरिजम। अगर केवल एक्सटर्नली सेगमेंट है, एक्सटर्नल सेगमेंट केवल है, सेगमेंटेशन है, तो उसको हम कहते हैं सूडो मेटामेरिजम। सूडो मेटामेरिजम तो वो किसमें होता है, सूडो तो कहोगे कि क्या किसमें होता है, वो तुम्हारा टीनिया सोलियम वाला जो है, टीनिया सोलियम प्लेटियन मेंटेज में, टीनिया में। तो ये है तुम्हारा सेगमेंटेशन। अगर पूछा जाए तो कहोगे बॉडी डिवाइड होता है एक्सटर्नल इंटरनली डिवीजन में, जिसको कहते हैं मेटामेरिजम, और इसमें क्या होता है कि कार्डेटा, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा ये आते हैं। तो ये तो तुम्हारा सेगमेंटेशन। अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है तुम्हारा नोटोकार्ड। पांच हो गया, छठा जो था हम लोग नोटोकार्ड। नोटोकार्ड में, नोटोकार्ड क्या होता है बच्चों कि जो कार्डेटा के मेंबर होते हैं, जैसे कार्डेटा फाइलम, तो इसी से मिलता जुलता है ये कार्डेटा। तो कार्डेटा को हम क्या काम करते हैं, जिसमें भी नोटोकार्ड एक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या होता है, जैसे ऐसे स्ट्रक्चर हो गया, ये वाला तुम्हारा सेगमेंट हो गया डार्सल, ये हो गया तुम्हारा वेंट्रल, इसमें कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो ऐसे डार्सल साइड पे, ऐसे सरफेस पे हो इस तरह के, तो इसको हम क्या कहते हैं, नोटोकार्ड कहते हैं। जिस भी ऑर्गेनिज्म में नोटोकार्ड प्रेजेंट हो, चाहे उसके लार्वा में प्रेजेंट हो, लाइफ के किसी भी स्टेज में प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, कार्डेटा कहते हैं। तो वो कार्डेटा ग्रुप में पड़ते हैं, और किधर प्रेजेंट होता है, वो डार्सल साइड में। और उसी भी क्या होता है, एक वेंट्रल नर्व कार्ड यहाँ पर होता है, उसके ऊपर जस्ट ऊपर क्या होता है, वेंट्रल नर्व कार्ड होता है यहाँ, इसके ऊपर जस्ट ऊपर क्या होता है, एक वेंट्रल नर्व कार्ड, वेंट्रल सॉरी डार्सल नर्व कार्ड, डार्सल नर्व कार्ड होता है, वो भी क्या होता है कि नोटो कार्ड के क्या होता है, डार्सल साइड पे होता है। तो ये दोनों फीचर्स होते हैं कार्डेटा का। तो जिस ऑर्गेनिज्म में नोटो कार्ड प्रेजेंट होगा उसको हम कार्डेटा कहेंगे, जिसमें नहीं प्रेजेंट होगा उसको कहेंगे नॉन कार्डेट कहेंगे। तो नॉन कार्डेट में कहाँ कहाँ से कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे कि पोरीफेरा से ले लो, पोरीफेरा, पोरीफेरा में कार्डेट के तो, और कहाँ तक चले जाओगे, इकाइनोडर्मेटा तक, इकाइनोडर्मेटा तक। इसमें एक चीज़ और याद रखो, ऐड कर लोगे कि हेमिकार्डेटा को भी हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कार्डेटा। हेमिकार्डेटा को भी हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कार्डेटा, क्योंकि इसमें जो नोटोकार्ड था वो एक्चुअली, जिसको हम कहते थे स्टोमो कार्ड, क्या कहते थे, स्टोमो कार्ड, वो एक्चुअली क्या था, जो स्टोमो कार्ड था वो बाद में पता चला ये नोटोकार्ड नहीं है, नोटोकार्ड नहीं है, तो इसलिए इसको भी क्या हम रख देते हैं, नॉन कार्डेट में। तो पूरे फाइलम को हम लोग दो भागों में बांट दिए, 11 फाइलम को कार्डेट और क्या, नॉन कार्डेट में। तो ये छः थे तुम्हारे, उसके अलावा बहुत से और भी होते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम का हम लेते हैं, सातवां सिस्टम फिजियोलॉजी के, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये क्या होता है कि अगर जैसे ये कोई पंप है, हार्ट जिसे कहते हैं, ये किसी वेसल्स से जाके कैपिलरी बनते हुए फिर क्या हो जाए, इसमें आ जाता है, इसको कहते हैं हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और कोई मान लो ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या होता है, ये हार्ट है, और ब्लड जो होता है पास जाता है, ये फिर पंप करके फिर दूर भेज देता है, फिर पास जाता है फिर पंप करके दूर भेज देता है, इसको कहते हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये भी एक फीचर है जो क्लासिफिकेशन में हम यूज़ करते हैं। तो देखते हैं किसमें किसमें होता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए हम लोग देखते हैं कि ये जो होता है हेमिकार्डेटा, इसका जो है आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा पोडा हेमिकार्डेटा मोलस्का, हेमिकार्डेटा और मोलस्का, इन सब में हमको ये देखने को मिल जाएंगे। तो ये है तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ये ऐसे कैसे, तो ओपन था हमको केवल ओपन, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन ओपन वाले को हमको याद रखना है, हेमिकार्डेटा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इन सब में ये पाया जाता है। इसके अलावा जो होता है ये सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं हम लोग, आठवां जो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो हम बात करते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या मतलब होता है कि एलिमेंट्री कैनाल का होना, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि एलिमेंट्री कैनाल का होना। तो ये क्या होता है, माउथ, एक ओपनिंग ये माउथ होती है, और फिर ऐसे इंटेस्टाइन बनते हुए फिर क्या होता है, एनस होता है, यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है। तो ये एक ओपनिंग को क्या कहते हैं, माउथ, और दूसरे ओपनिंग क्या कहते हैं, एनस कहते हैं,
जो ड्यूटेरोस्टोम में पढ़े थे ना, एनस फर्स्ट बढ़ता है और प्रोटोस्टोम में क्या होता है, माउथ फर्स्ट बनता है। तो यहाँ पे अगर जिस ऑर्गेनिज्म में इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाए, दो ओपनिंग हो, एक इंट्री का एग हो, आउट का क्या होगा अलग हो, तो इसको कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो होता है एडवांस फीचर होता है, जिसमें जैसे हम लोगों में ऐसा होता है, तो इस तरह का क्या एडवांस फीचर हो, तो ये कहेंगे कि इस तरह का जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये जो होता है मोस्ट ऑफ द फाइलम पाया जाता है, जैसे कि एनलिडा, आर्थ्रोपोडा और ये मोलस्का, इन सब में पाया जाता है। लेकिन जैसे ही हम आ जाते हैं इसमें प्लेटी हेलमिंथीज में, किसमें, प्लेटी हेलमिंथीज में, इसमें क्या होता है, सिंगल ओपनिंग होता है बच्चों, क्या होता है, सिंगल ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग को कहते हैं ब्लाइंड सैक, क्या होता है, ब्लाइंड सैक बॉडी। तो ये सिंगल ओपनिंग होता है, तो इसी एक सिंगल ओपनिंग से ही क्या होता है, इन आउट करता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो प्लेटी हेलमिंथीज एक ऐसा है जिसमें क्या सिंगल ओपनिंग होता है। उसके बाद जब आगे हम लोग बढ़ते हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के टर्म में, तो हम ये देखते हैं कि थोड़ा कॉम्प्लेक्सेशन पाया जाता है, खासकर जो एसके हेलमिंथीज है उसमें भी क्या हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट पाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये सब कुछ फीचर्स थे बच्चों, आगे फिर हम लोग और भी बहुत से देखेंगे। अब हम लोग एक बार एनसीईआरटी को देख लेते हैं कि क्या उसमें दिया हुआ है और कैसे उसको पढ़ना है। जब भी कभी इसको पढ़ना होगा तो हम लोग क्या ध्यान देंगे कि हम लोग ये वाला जो क्रम है, जो पोरी फेरा के बाद क्या, निडेरिया, निडेरिया टीनोफोरा, टीनोफोरा प्लेटी हेलमिंथी, एसके हेलमिंथी, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकाइडेटा, इसी क्रम में पढ़ेंगे। देख लेते हैं हम लोग क्या है इसमें एनसीईआरटी से। ठीक है बच्चों, ये है तो एनिमल किंगडम के बारे में बता रहे हैं कि एनिमल किंगडम क्या हो रहा है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म्स होते हैं एज एनिमल हैव बीन डिस्कवर्ड टिल नाउ, नीड द क्लासिफिकेशन बिकम मोर इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि इनको ग्रुप में बांटना है, फाइलम में बांटना है, तो किस तरह से बांटेंगे, तो उसके लिए कुछ बेसिस चाहिए। बेसिस क्या होंगे बच्चों, तो अरेंजमेंट ऑफ सेल, जैसे कहाँ सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल क्या है, बॉडी की सिमेट्री चाहिए, नेचर ऑफ सिलोम चाहिए, सूडो सिलोमेट है कि सिलोमेट है कि ए सिलोमेट है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल का जो है ओपनिंग सिंगल है कि वो है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, इसके अलावा जो होता है उसके अलावा जो होता है दिस फीचर्स आज बेसिक एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग करते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो हम लोग शुरू में ही पढ़े थे कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो सेलुलर एग्रीगेट होता है वो किसमें था बच्चों, पॉलीफेरा में। दो, ऑल द मेंबर्स ऑफ एनिमलिया आर मल्टी सेलुलर, ऑल ऑफ दू हैव एग्जिबिट सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, सब में सेल्स होता है और कोई भी ऐसा नहीं है जो जिसमें सेल नहीं हो, ये बात होगी। और दूसरा है कि सभी सेल लेवल का नहीं ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल भी होता है। तो फॉर एग्जाम्पल इन स्पंज सेल्स आर अरेंज इन लूज सेल एग्रीगेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लूज सेल एग्रीगेट, ये पूछा जाता है। दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, सेलुलर लेवल। सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटी, जो डिवीजन ऑफ लेबर बांटे होते हैं, जैसे ये होता है पोरी फेरा का कोई मेंबर है मान लो, तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनका काम होता है फूड को स्टोर करने का, जैसे थीसोसिस्ट सेल होता है वो फूड को स्टोर का काम करता है, आर्कियोसिस्ट सेल तो नए सेल्स को फॉर्म करने का होता है, तो वो अपने सेल्स ही एग्रीगेट होते हैं सेल का, वो एक साथ मिल के काम करते हैं और उसी में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। तो सम डिवीजन ऑफ लेबर अकॉर्ड अमंग दीज सेल इन सिलेंट्रेटा। अब उसके आगे बढ़ते हैं, तो सिलेंट्रेटा और किसमें था बच्चों, टीनोफोरा में, इन दोनों में क्या था, सेलुलर से ऊपर बढ़ जाता है और टिश्यू लेवल। इन सिलेंट्रेटा अरेंजमेंट ऑफ सेल मोर कॉम्प्लेक्स, ये सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन अरेंज इन टू टिश्यू, तो टिश्यू लेवल हो जाए इसलिए इसको कहते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ सिलेंट्रेटा दिया, साथ में तुम किसको भी जोड़ लोगे, टीनोफोरा को भी। स्टिल हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन आर्गन लेवल इज एक्सिस्टेड बाय मेंबर प्लेटेलमेंटीज एंड अदर फाइला, बस यहाँ तक आर्गन लेवल तक आता है तुम्हारा प्लेटेलमेंटीज, उसके बाद सभी में क्या था हम लोग पढ़े थे, और सभी में क्या होता है आर्गन सिस्टम लेवल होता है, स्पेशलाइज पर्टिकुलर फंक्शन इन एनिमल लाइक एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इन सब में क्या होता है तुम्हारा यही है लेवल, आर्गन सिस्टम लेवल। उसमें एसके हेलमिंथीज छोड़ दिया, तो इसमें आप एसके हेलमिंथीज को भी ऐड कर लेंगे, इकाइनोडर्मेटा, आर्गन हैव एसोसिएटेड फंक्शन, इन सबको क्या कहते हैं आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
आर्गन सिस्टम में बच्चों के आर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। फॉर एग्जाम्पल जिसमें किसी में जो सिस्टम का मतलब हो गया कि जैसे लीवर एक आर्गन है, तो उस तरह के क्या होगा, कई कई आर्गन मिलकर क्या बनाएंगे, एक सिस्टम बनाएंगे। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर है और भी गॉल ब्लैडर है, इस तरह से क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट आर्गन मिलकर सिस्टम बनाते हैं, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा तभी उसमें बनता है। तो फॉर जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम ओनली सिंगल ओपनिंग, यही अभी हम लोग पढ़े थे आउटसाइड, इसको ब्लाइंड सैक बॉडी कहते हैं, जिसमें सिंगल ओपनिंग होती है, इनकम्प्लीट टाइप ऑफ वो कहते हैं सर्कुलेशन, क्या कहते हैं, डाइजेशन। तो ये हेंस कॉल्ड इनकम्प्लीट। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं, जिसमें टू ओपनिंग होता है माउथ एंड। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम भी ऐसे ही होता है, एक में होता है ओपन टाइप का, एक होता है क्लोज टाइप का। तो हमको क्या ध्यान देनी है, हमको देखनी है ओपन टाइप का, तो किस क्या क्या पढ़े थे हम लोग, हेमिकार्डेटा, और क्या पढ़े थे, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, और उसके बाद क्या पढ़े थे, मोलस्का के कुछ मेंबर्स में जो होते हैं ये पाए जाते हैं। क्लोज टाइप सर्कुलर सिस्टम रेस्ट ऑफ द जितने होते हैं, जैसे एनेलिडा बहुत बेस्ट एग्जाम्पल इसका, और अकार्डेटा, ये सब जो होते हैं क्लोज टाइप के होते हैं। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है दूसरे फीचर्स पे, सिमेट्री। तो सिमेट्री चार तरह के हम लोग पढ़े, एक तो क्या है एसिमेट्रिकल हो सकता है, एक रेडियल हो सकता है, एक बाइलेटरल हो सकता है, और एक और क्या होता है बाई रेडियल होता है, तो जो टीनोफोरा के कुछ मेंबर्स शो करते हैं। एसिमेट्रिकल तुम्हारा क्या था बच्चों, स्पंज था जिसमें कोई किसी भी प्लेन से काटे तो वो सिमेट्री वो नहीं होता था। दूसरा क्या, रेडियल में किसी भी प्लेन से काटे तो उसमें दो तरह के मतलब दो इक्वल हाफ में तोड़ सकते थे, इसको बांट सकते थे। बाइलेटरल में किसी वन प्लेन से, ओनली वन प्लेन एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री, जिसमें इक्वल हाफ में लेफ्ट राइट में बांट सकते हैं, तो उसको कहते थे। वो फिगर में दिया हुआ है ये है देखो, किसी भी प्लेन से ऐसे काट रहे तो दो इक्वल हाफ में बंट रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री, और यहाँ पे क्या है बाइलेटरल सिमेट्री। आगे हम लोग पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्ट जो जर्म लेयर होते हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर होते हैं, वो तीन तरह का। देखो बच्चों, एक में हमने कहा था मेसोग्लिया, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो कितने लेयर हैं, तो यहाँ हम ये करेंगे एक्टो है, एक इंडो है, यही दो है। तो इस वाले को करेंगे, दो जर्म लेयर को करेंगे डिप्लोब्लास्टिक। तो ये कैसा एग्जाम्पल है डिप्लोब्लास्टिक का, और ये वाला देखो जो मेसोग्लिया है डिफ्रेंशिएटेड हो गया, किसमें, मेजोडर्म में, और यहाँ टिश्यूज बन गए, इसको कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन है, वन टू, और ये क्या है थ्री। तो टिप्लोब्लास्टिक एडवांस फीचर है और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जैसे प्रेटी हेलमेंटिस टू कार्डेटा चला जाता है। तो ये और जो अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मेसोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टो और इंडोडर्म, उसको नहीं कंसिडर करते हम लोग, ठीक है। तो ये डिप्लोब्लास्टिक पाया जाता है किसमें, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा में। तो ये देखो प्रेटी हेलमेंटिस टू कहाँ तक, कार्डेटा तक चला जाता है, ये लिखा भी है यहाँ पे। अब जाते हैं सिलोम के बारे में पढ़ते हैं। सिलोम क्या होता है, कैविटी होती है। तो पाउच सबसे पहले अगर देखा जाए कैविटी, तो इसमें देखो ये तो गट वाल है, गट की कैविटी है इस, ये इक्टो हो गया, और ये क्या हो गया इंडो हो गया, इंडो हो गया, और ये वाला जो मेजो। तो हमने क्या कहा था कि मेजो से इसको सिलोम बनाना है या फिर इस तरह का बनाना है, तो मतलब इवोल्यूशन शुरू में कहाँ से होगा, इंडो से होगा या क्या होगा, मेजो से होगा, इंडो से होगा, क्या होगा, मेजो से होगा, और क्या इक्टो होगा। तो मेजो में क्या होगा, इसी के सेल में रिडक्शन होगा, किसके सेल में रिडक्शन होगा, मेजो मेसोडर्म के सेल्स में रिडक्शन होगा, मेजोडर्म के सेल्स में रिडक्शन होगा, और इसी की क्या होगा, जो ये जो लेयर है इसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ये लेयर जब खत्म होके क्या होगा, यहाँ पे एक आउटर कवरिंग बन गई, और दूसरी क्या होगा, इंटो इंडोडर्म में तो है ही है, तो ये क्या होगा, इनर इनर मेजोडर्म, मेजोडर्म, और ये कैसा है बच्चों, आउटर मेजोडर्म, आउटर मेजोडर्म। और बीच में देखो इसने यहाँ ये वाली पूरी जगह खाली कर दी, और इसको क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं, सीलोम कहते हैं, इस तरह से बन गया। इस वाले में देखो ये तो मेजोडर्म क्या होगा, पाउच के फॉर्म में पाया गया, ये तो ये कैविटी है, बल्कि मेजोडर्म फिर भी है, इसको क्या कहेंगे, सूडोसिलोम। तो जो ये वाला था ये इस तरह से इसमें बनने में, सिलोम बनने में दो तरह का हो सकता है, इंट्रो भी हो सकता है और साइजोसिलोम भी हो सकता है। तो इंट्रो वाले में था कि स्प्लिटिंग हो जाए इसका, इसमें क्या हो जाए, सॉरी साइजो में क्या था, स्प्लिटिंग हो जाए इसका और ये खत्म हो जाए और इस तरह का बन जाए सिलोम। और उसमें क्या था, जो तुम्हारे इंट्रो में ये था कि ये जो इंटरनल गट वाल है यही इन्वेजिनेट करें, ये जो इंटरनल गट वाल है यही क्या करें, इन्वेजिनेट करें, अंदर की तरफ करें, ऐसे करके ऐसे 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 करें, और ये फिर क्या बना, सिलोम बनाए। तो अल्टीमेटली सिलोम ही बनाना था इन दोनों में। तो यहाँ देखो प्रेजेंस ऑफ एंड एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, एक ये भी एक इंपॉर्टेंट है, गट वाल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। द बॉडी कैविटी इज लाइन बाई मेजोडर्म इज कॉल्ड सिलोम, ये मेजोडर्म से लाइन होती है इसको कहते हैं सिलोम। देखो ये है मेजोडर्म से, ये भी मेजोडर्म,
जिसमें सिलोम होता है उसको सिलोमेट कहते हैं, जैसे एनालिडा मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा, हेमिकाडर, कार्डेटा। अब ये कह रहे हैं कि किसको नहीं कहा है इन्होंने, स्केलमेंथिस को नहीं कहा है इन्होंने। देखो स्केलमेंथिस क्यों नहीं, क्योंकि उसमें स्यूडो सिलोम पाया जाता है। ये फीचर था एसके हेलमेंथिस का। सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी नॉट लाइन बाई मेजोडर्म, इंस्टीड ऑफ मेजोडर्म प्रेजेंट स्कैटर्ड पाउच। जैसे ये देखो, ये तो स्यूडो सिलोम यहाँ पाया जाता है, सच कैविटी का स्यूडो सिलोम एनिमल पास स्यूडो सिलोमेट एसके हेलमेंथिस में था। और जो जितने भी और मेंबर हो गए वो क्या हो गए, एसुलमेट हो गए, जैसे प्लेटियल मेंटी हो गया। तो ये है तुम्हारा, जैसे इसमें देखो कोई पाया ही नहीं जा रहा है यहाँ पे, इस वाले में नहीं पाया जा रहा है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, अब सेगमेंटेशन की तरफ आते हैं। सेगमेंटेशन में हम लोग देखते हैं बच्चों की जो सेगमेंटेशन है, जैसे बॉडी की सेगमेंटेशन की, तो मेटामेरिक सेगमेंट क्या कहते हैं, तो एक्सटर्नली सेगमेंटेड हो, और क्या हो बच्चों, इंटरनली भी सेगमेंट हो, इंटरनली भी सेगमेंट हो, ऐसे को क्या कहते हैं, मेटामेरिज। ये तीन फाइलम में सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। सेगमेंटेशन किसमें किसमें, एनालिडा में मोस्ट फ्रिक्वेंटली, आर्थ्रोपोडा, और फिर क्या होता है, कार्डेटा में, ये तीनों में देखने को मिलता है। तो इन सम एनिमल्स द बॉडी एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइडेड इंटू सेगमेंट, सीरियल रिपीटेशन से सम ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल आर्थ्रोपोडा, दिस पॉड शो कॉल मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन, या फिनोमिनल मेटामेरिज्म, ये मेटामेरिज्म का। आ जाते हैं नोटोकार्ड में, जिसमें नोटोकार्ड हो बच्चों उसको क्या कहेंगे, नोट कार्डेटा कहेंगे, और जिसमें नहीं हो उसको क्या कहेंगे, नॉन कार्डेटा। तो नोटोकार्ड इज द मेजोडर्मी डिराइव्ड। तो ये जैसे कि इसमें तो अभी हम लोग पढ़ना नहीं है, देखो ये एक्टो हो गया, ये हो गया इंडो, और ये जो होगा, और यहाँ पे क्या मेजोडर्म था। तो अब ये पूछा जाता है कि जो हमारे डिफरेंट आर्गन है और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि नोटोकार्ड हो गया, नर्व कार्ड हो गया, ये हो गया, टीथ हो गया, या बहुत से जो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, लीवर हो गया, वो सब किससे डिराइव्ड है। तो मेजोडर्म से जो होता है वो जनरली फिजियोलॉजिकल, जैसे हार्ट हो गया, ये सब जो डिराइव किससे होते हैं, मेजोडर्म से होते हैं डिराइव। और नोटोकार्ड भी किससे, मेजोडर्म से ही डिराइव होते हैं। तो ये पूछा जाता है कौन इक्टो से, कौन इंडो से, कौन मेजोडर्म से। तो एनसीईआरटी में इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है, ये आपको इतना बस जानना है कि जो डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे नोटोकार्ड किसका डेरिवेटिव होता है, मेजोडर्म का होता है। जैसे स्केल्टन सिस्टम भी है हमारा, जो स्केल्टन सिस्टम, स्केल्टन बोन्स वगैरह जो होते हैं, स्केल्टन सिस्टम जो हमारा होता है वो भी किससे डिराइव होता है, तो कहोगे स्केल्टन सिस्टम, जो होता है ये भी किससे डिराइवेटिव होता है, तो ये कहोगे मेजोडर्मली ओरिजिनेट होता है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉन्ड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ ड्यूरिंग इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल, एनिमल विच नोटोकार्ड कॉल्ड कार्डेट, जिसमें होता है, जिसमें नहीं होता उसको नॉन कार्डेट, जिसमें पोरीफेरस से इकोनोडर्मेटा तक वो सब क्या होता है, नॉन कार्डेट। इसमें एक और ऐड कर सकते हो, क्या होता है, हेमिकार्डेटा, उसको पहले हम लोग क्या करते थे, कार्डेटा में कंसिडर करते थे, लेकिन अब यह क्या करते हैं, उसको नहीं कर सकते, क्योंकि जो उसमें जो नोटोकार्ड था वो एक्चुअली स्ट्रोमोकार्ड था, वो सब माना जाता था कि वो नोटोकार्ड है, लेकिन वो बाद में नहीं था। तो ये था कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जिससे हम लोगों ने पढ़ा है, और इसी बेसिस पे हमको पूरे ऑर्गेनिज्म को, जो फाइलम में 11 है उनको बांट देना है, पूरे फाइलम को 11, जो फाइलम में 1 से लेके 11 तक, इनमें क्या होता है, जो शुरू होता है हम लोग कहाँ से, शुरू होता है पोरीफेरा से, और ख़त्म कहाँ होता है बच्चों, कार्डेटा पे। तो ये यहाँ से यहाँ तक के पोरीफेरा से जो लास्ट के सेकेंड जो दसवां है, इकाइनोडर्मेटा है, हेमिकार्डेटा, इन इस तक को हम कहते हैं नॉन वर्टी नॉन कार्डेट, इसको क्या कहते हैं, नॉन कार्डेट, और इस वाले को क्या कहते हैं, कार्डेट। तो इसको दो भाग में पढ़ते हैं, कार्डेट, एक कार्डेट और एक नॉन कार्डेट, इसमें बढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन में अगर एक एक चार्ट जैसे एनसीईआरटी ने दिया है टेबल के फॉर्म में, या एक कहते तो ट्री के फॉर्म में दिया है, उसको हम लोग देखें, तो देखते हैं, देखो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये टेबल। इसमें क्या होता है, एनिमल क्या था, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म था, तो उसी को हम लोग लेते थे, उसके साथ क्या था, ये था हेटरोट्रॉपिक, था, और क्या था बच्चों, ये था विदाउट सेल वॉल, ये भी था हेटरोट्रॉपिक, था मल्टी सेलुलर था। इसमें जो था सेलुलर, मल्टी सेलुलर है लेकिन सेलुलर लेवल टिश्यू नहीं बनाया, सेलुलर लेवल ऑर्गेनिज्म तो वो अलग ही हो गया, इसको पैराजुआ कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, पैराजुआ, इसको अलग ही ग्रुप दे दिया, इसको पैराजुआ कहेंगे, और इसको कहेंगे यू मेटाजोआ, यू मेटाजोआ, इस पूरे ग्रुप को जिसमें टीशू, आर्गन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें सिमेट्री के बेसिस पे बांटे तो हम क्या कहें, रेडियल सिमेट्री में आ जाता है तुम्हारा ए सिलोमेट, ये दोनों हो जाते हैं, पहले एक ही, देखो ये अलग ही क्लैड बन गया एक तरह का, तो इसको कहेंगे कि एक अलग ही इसका ग्रुप है, एक हो गया। दूसरा क्या हो गया, बाइलेटरल सिमेट्री इन सब में पाया जाए, प्लेटी, एसके, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये देखो क्रम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
इसी क्रम को आपको याद रखना है कि पोरीफेरा से शुरू होंगे यहाँ तक। अब तुरंत क्विक बता देना, जैसे विदाउट सिलोम, जिसमें सिलोमेंट नहीं होता इसको एसिलोमेंट कहते हैं। सिलोम देखो, सिलोम यहाँ से शुरू हुआ, लेकिन मतलब यहाँ पे कुछ जर्म लेयर बने, लेकिन सिलोम मेजो डर्म था, वो मेजो डर्म था वो बना, तो वो क्या होगा, एसिलोमेंट, उसमें सिलोम नहीं बना, दूसरे वाले में सूडो सिलोम बना, उसके बाद एडवांसमेंट हुआ था। क्या बना, ये बना। यहाँ पे देखो इकाइनोडर्मेटा में स्टार लगाया गया है, स्टार का मतलब ये था इकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री, जबकि यहाँ बायलेटरल था, और बायलेटरल सिमेट्री इन द डिपेंडिंग ऑन स्टेज, स्टेज के मतलब बायलेटरल सिमेट्री जो होगा उसके किस में, लार्वल स्टेज में शो होगा बच्चों, और इसमें रेडियल सिमेट्री क्या होगा, एडल्ट के फॉर्म में जब होगा तब के। तो ये था तुम्हारा डिफरेंट टाइप्स के जो था। अब यहाँ देखो मोस्टली एसिमेट्रिकल, मतलब सभी नहीं, मोस्टली जो होंगे वो क्या होंगे, एसिमेट्रिकल होंगे। तो ये था तुम्हारा क्या था, जो फाइलम थे वो डिफरेंट, उनके क्या क्या बेसिस थे उनको हमको हमने देखा, और हम इन इनको क्या करेंगे, देखेंगे किस किस तरह से ये करेक्टराइज किए गए हैं। तो अगर हम शुरू करें तो आज फाइलम एक एक फाइलम पढ़ लेते हैं हम लोग, पोरीफेरा को। तो सबसे शुरू वाला जो मल्टी सेलुलर था, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें टिश्यू नहीं बना था, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो देखते हैं, तो ये है तुम्हारा पोरीफेरा। अब ये पोरीफेरा मतलब इसमें क्या होता है, पोरीफेरा, फेरा का मतलब होता है बच्चों की बियर करना, पोरीफेरा मतलब ये क्या, पोरी का मतलब, पोर का मतलब पोर, पोरी मतलब पोर हो गया। ओके, पोर को जो जो ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जिसमें सभी, देखिए ये देखो ये सब पोर्स हैं, ये सब क्या है, पोर्स हैं, मतलब झरने की तरह एकदम पोर है यहाँ पे, इसको हम क्या कहते हैं, पोरीफेरा। तो जो भी ऑर्गेनिज्म इसके होंगे वो सब क्या होंगे, पोरीफेरा होंगे, और ये क्या होंगे, एसिमेट्रिकल होंगे। हम लोग शुरू में ही इसके कुछ बेसिक कैरेक्टर पढ़ लिए थे, तो मेंबर ऑफ दिस कॉमनली नोन एज स्पंज, इसको जनरली क्या कहते हैं, स्पंज की तरह होता है, इसलिए हमको क्या इस जनरली इसको क्या कहते हैं, स्पंज कहते हैं। अब ये जो होगा स्पंज होंगे, दे आर जनरली मेरीन, मोस्टली एसिमेट्रिकल। अब देखो यहाँ जनरली मेरीन लिखा है, अब एनसीईआरटी में आपको हमको देखना होगा कि एक्सक्लूसिवली मेरीन कहाँ कहाँ लिखा है, तो ये एक्सक्लूसिवली मेरीन नहीं होते हैं, जनरली मेरीन होते हैं, तो ये बात याद रखना है। और उसके बाद दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल, बहुत ही प्रिमिटिव होते हैं, क्योंकि इसको अलग ही कर दिया गया था, और इसको हम क्या कहते थे, पैराजोआ, क्या कहते थे, पैराजोआ में इसको पढ़ते हैं। मल्टी सेलुलर हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, स्पंजेज हैव वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग, देखो इस ये जो होता है बॉडी होती है, तो उसमें बहुत से छेद होते हैं छोटे छोटे, उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया, क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया, ये भी ऑस्ट्रिया है, ये भी ऑस्ट्रिया है, ये भी ऑस्ट्रिया है, ऐसे ये सब ऑस्ट्रिया है, और एक सिंगल ओपनिंग होती है, उसको कहते हैं ऑस्कुलम, क्या कहते हैं बच्चों, ऑस्कुलम। तो बहुत से छेद होते हैं जिसमें से वाटर करंट आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, और ऑस्कुलम से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इसका क्या मतलब हम समझें, हम लोग ये समझें कि जैसे ये कोई सेक्शन है, ये ऐसे, ये यहाँ पे देखो ये हो गया बॉडी है, और बॉडी से ये क्या हो रहा है, एक स्ट्रक्चर बन रहा है, थोड़ा सा बनना, ये है देखो, मान लो यहाँ पे बहुत से ये क्या ओपनिंग है, ये सब छोटे छोटे, इनको हम क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया, और यहाँ पे सिंगल एक ओपनिंग दिख रही है, उसको क्या कहते हैं, ऑस्कुलम। तो वाटर जो है आता है, वाटर करेंट आता है इसमें, बहुत से फूड्स और बहुत सी चीज़ें आती हैं, वो आता है इसमें, एंट्री करता है बहुत से छोटे छोटे पोर से, ऑस्ट्रिया से, और फिर यहाँ पे कैविटी जाता है, जैसे पेट में नहीं होता ऐसे उस तरह के होते हैं, और इसमें क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है, फूड को, फूड जो लाता है उसको यूज करता है, फिर वाटर क्या होता है, ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। आया कहाँ से, ऑस्ट्रिया से, निकला कहाँ से, ऑस्कुलम से, इंट्री कहाँ से होती है, ऑस्ट्रिया से, आउट कहाँ होता है, ऑस्कुलम से। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों की कैनाल सिस्टम, ये नहर की तरह एक दिख रहा है ना, कैनाल की तरह, कैनाल सिस्टम, तो इसको क्या कहेंगे, वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम क्यों कर रहे हैं, तो कैनाल सिस्टम इसलिए कर रहे हैं कि, या इसको दूसरा नाम होता है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक होता है वाटर वास्कुलर सिस्टम, वो होता है इकाइनोडर्मेटा में, तो उसको उससे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, बस यहाँ याद रखना कैनाल सिस्टम इसको कहते हैं,
वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम क्या होता है, तो वो क्या करता है, वाटर के करंट को इन करता है अस्टिया से, आउट कर देता है एस्कुलम से। यहाँ पे जो ये कैविटी होती है बच्चों, इसको कहते हैं पिनाइकोडर्म। क्या कहते हैं इसको, ये जो लेयर होती है इसको डर्म कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पिनाइकोडर्म। इसी से क्या होता है, बहुत से कॉलर सेल्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, कॉलर सेल्स। देखो कॉलर सेल्स ऐसे होते हैं, हम यहाँ बना देते हैं ये इस तरह के, यहाँ बनाते हैं ये होते हैं कॉलर सेल्स। इसको हम क्या कहते हैं, क्वाइनोस, इसको कॉलर सेल्स कहते हैं, या इसको कहते हैं क्वाइनोसाइट्स। क्या कहते हैं ये और किसी भी फाइलम में नहीं पाया जाता बच्चों, ये सेल्स क्वाइनोसाइट सेल, ये इसकी यूनिक फीचर है। तो और ये जो कैविटी है बीच में जिससे पानी जा रहा था, बड़ी सी कैविटी दिख रही थी, ये जो कैविटी है यहाँ शो हो रहा है, इसको हम कहते हैं स्पंजोसील। क्या कहते हैं, स्पंजोसील। क्या कहते हैं बच्चों, स्पंजोसील, स्पंजोसील। तो स्पंजोसील में ही क्या होता है, स्पंजोसील में जो होता है, जो वाटर ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम चल रहा है, इसी में ये वाले जो है, ये तुम्हारे क्वाइनोसाइट्स कॉलर सेल्स पिनाइकोडर्म्स के माध्यम से यहाँ पे ऐसे जुड़े होते हैं, और ये फ्लैजिला ऐसे ऐसे लगाए होते हैं। तो इस तरह से ऐसे ऐसे ये जुड़े हैं। तो ये क्या होता है, लाइन जो मेज, जो स्पंजोसील है, जो स्पंजोसील सेंटर वाला है, उसको क्या, वो क्या कहता है, इसको कहते हैं स्पंजोसील, या इसका दूसरा नाम ये भी है सेंट्रल कैविटी। क्या कहते हैं, सेंट्रल कैविटी। तो ऑस्टिया से आना, स्पंजोसील में वाटर जाना, ऑस्कुलम से बाहर निकल जाना, और वहाँ पे क्या होता है, जो इसकी लाइनिंग होती है स्पंजोसील्स की, वो किससे होती है, कॉलर सेल से होती है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग क्वाइनोसाइट सेल्स होती है। ये केवल यूनिक फीचर होती है इसकी, इसी की, पोरीफेरा की। और यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ फूड को गैदरिंग करता है, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज करता है, दूसरा क्या करता है, वेस्टेज को रिमूव करता है, तो ताकि वाटर से ये क्या होता है, बाहर चला जाए, ऑस्कुलम से क्या होता है बाहर। तो इसको सेंट्रल कैविटी को क्या कहते हैं, स्पंजोसील कहते हैं, या दूसरा क्या काम कहते हैं, या इसको सेंट्रल कैविटी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, स्पंजोसील कहते हैं। स्पंजोसील लाइन होता है कॉलर सेल से, क्वाइनोसाइट से, ये मदद करता है, जैसे फूड आएगा फ्लैजिला से घुमा के अंदर ले लेगा, इस तरह से क्या करता है, ये काम करता है। मेल फीमेल सेक्स आर्गन जो होते हैं, इसमें सेक्स आर्गन उस तरह के नहीं होते, लेकिन क्या होता है, इसी में टिश्यूज जो होते हैं धंसे होते हैं, इस किनारे पे क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं जो धंसे होते हैं। टिश्यूज क्या करते हैं, ये मदद करते हैं, जो जो इसमें टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं, मदद करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं। तो जैसे कुछ मेल फीमेल सेक्स आर्गन प्रोड्यूस करते हैं, तो वो दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। इसमें बहुत से स्पिक्यूल्स लगे होते हैं, ऐसे ऐसे फाइबर्स लगे होते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्पंजीन फाइबर या डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो मेल फीमेल गैमेट सेम इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो हो जाता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो जाता है, और डेवलपमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है, लार्वा बनता है। जब भी कभी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात आए, तो समझ जाना कि लार्वा बना के क्या करेगा, वो डेवलप करेगा। अब हम इसको पढ़ लेते हैं यहाँ पे, देखो वाटर इंटर थ्रू द माइन्यूट पोर्स, पोर्स मतलब प्लूरल है, इन द बॉडी इन सेंट्रल कैविटी, जिसको स्पंजोसील कहते हैं, वहाँ फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू ऑस्कुलम, ये वाले रीजन से द पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट हेल्पफुल। तो इसमें क्या मदद होगा, तो वाटर के साथ क्या क्या आएगा, फूड आएगा, फूड गैदरिंग, फूड आएगा, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज आएगा, गैसेस एक्सचेंज होगा, वो ऑस्कुलम से बाहर चला जाएगा, और रिस्पायरेटरी एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्टेज, और जो वेस्ट करेगा टिश्यूज जो होगा खा पी के, वो भी चला जाएगा। क्वाइनोसिस्ट कॉलर सेल लाइंड स्पंजोसील, इसको स्पंजोसील को ये कॉलर सेल जो देखो ये ऐसी लाइन किया हुआ है, स्पंजोसील को लाइन किया हुआ है, और एंड कैनाल, स्पंजोसील एंड कैनाल को लाइन किया है। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, भोजन जो होगा अंदर ही पच जाएगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, इसीलिए क्या होता है, कैनाल के अंदर ही डाइजेशन हो जाता है। बॉडी सपोर्टेड बाई एक स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल स्पंजिन फाइबर। तो ये जो स्पिक्यूल्स बन रहा था, ये क्या था, स्पंजिन फाइबर का बनेगा, या फिर क्या होता है, बहुत से कैल्सकेरियस होते हैं, स्पंजिन का होता है, इससे बनता है। सेक्सेज आर नॉट सेपरेट, मतलब हर्माफ्रोडाइट होता है, मेल फीमेल सेक्स आर्गन इसी में बनते हैं, मतलब गैमेट्स बनते हैं इसी में, और फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होता है, जैसे मेल गैमेट अगर प्रोड्यूस हो गया तो इसी में जाके फ्यूज कर जाएगा। एग एंड स्पर्म प्रोड्यूस बाय सेम इंडिविजुअल, स्पंज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल बाय फ्रेगमेंटेशन। ये एक ऐसा एनिमल है बच्चों जो क्या करता है, एसेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी रिप्रोड्यूस करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बताओ कौन सा एनिमल का ग्रुप होता है, कौन सा फाइलम जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन होता है। तो कहोगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से ये पूरी फेरा में देखा जा सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, विद इन द इसी के कैनाल के अंदर ही क्या होगा, जैसे कोई मान लो गैमेट प्रोड्यूस किया तो अस्टिया से अंदर आ गया, और यहीं पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया और जायगोट बन जाएगा, जायगोट से फिर क्या बनेगा, लार्वा बनेगा, लार्वा जिसमें बन गया, जैसे हम लोग यंग वंस हो गया, इतना बड़ा हो गया, तो जब जब पैदा हुआ था तो इसके भी दो हाथ पैर थे, बस यही बड़ा हो रहा था, इसको कहते थे डायरेक्ट डेवलपमेंट।
इसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन अगर यही इसी को उल्टा हम लोग देखें, जैसे कि जैसे टैडपोल लार्वा बनता है, टैडपोल लार्वा बना फिर बाद में क्या होगा, फ्रॉग बनेगा, तो इस तरह से क्या होगा कि मेटामॉर्फोसिस हो रहा है उसमें, इसका मतलब लार्वा बनेगा, तो उस तरह के डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट कहेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इसका मतलब क्या हो, जहाँ इनडायरेक्ट लिखे क्या मतलब लार्वल फॉर्मेशन, लार्वा फॉर्मेशन होगा, हैविंग लार्वा स्टेज विच मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंग, वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंग होता है। यहाँ पे देखो मॉर्फोलॉजिकली दोनों सेम था, जिसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता था। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको, एकदम फिगर से याद कर लेना है। साइकान इसे कहते हैं, और ये क्या होता है, यू स्पंजिया है, और ये क्या होता है, स्पंजिला। इन सब के जो एग्जांपल्स है उसको भी हमको याद रखना है। जैसे साइकान को साइफा कहते हैं, स्पंजिला को फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं, यू स्पंजिया को क्या कहते हैं, बाथ स्पंज कहते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखने हैं। हर हर फाइलम के आपको एग्जाम्पल एकदम एग्जैक्ट अलग सेपरेट करके लिख के याद में रख लेना। तो ये था बच्चों, हम लोग एनिमल किंगडम शुरू कर दिए, उसमें क्या था, आज हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें पढ़े हैं, कौन सा बेसिस होता है ऑर्गेनाइजेशन और डिवीजन करने का और ग्रुपिंग करने का। उसमें से एक फाइलम भी हम लोगों ने पढ़ा, क्या है वो था पोरीफेरा। तो अब नेक्स्ट जो होगा हम लोग पढ़ेंगे क्या, सिलेंट्रेटा, जिसको निडेरिया कहेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे टीनोफोरा, फिर ऐसे सिक्वेंसली चलेंगे, एनेलिडा, आर्थ, एस्केलमेंटिप्लेटी, एस्के, फिर उसके बाद एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। पोरीफेरा का जो ये जो है लार्वा जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअली एम्फीब्लास्टूला एक लार्वा होता है, वो होता है। अगर वैसे उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको क्या करना है, जो एनसीईआरटी में दिया उन्हीं को केवल कंसीडर करना है, उन्हीं को क्या करना है, याद करना है, उसको देखेंगे हम लोग। तो ये आई होप समझ में आया होगा आप लोगों। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।